कटिहार में बदमाशों ने दिन दहाड़े मार्बल व्यवसायी की दुकान पर गोली चला दी है। बताया जाता है कि अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और दुकान पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के ललियाही हनुमान मंदिर चौक के पास हुए इस घटना के बारे में दुकान मालिक अंकित कुमार ने बताया कि ललियाही में उनकी आरके मार्बल की दुकान है, जहां वो काउंटर पर बैठे हुए थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने उनके दुकान पर गोली चला दी। वो बाहर आए और देखा कि दो मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश हैं और उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। सुनिए दुकान मालिक अंकित को। गोली चली है? हाँ, आज गोली चली है। क्या पुराना रंजिश? नहीं, ऐसा कोई रंजिश नहीं था। हम लोग दुकान पर अपना काम कर रहे थे, लेबर भी अपना काम कर रहा था। 12:50 पे दो आदमी, जो सीसीटीवी के द्वारा मालूम पड़ा, दो आदमी दुकान के सामने आकर खड़े हुए और गोली चलाया और गोली चला कर वापस बाइक पे बैठ के आगे भागते चले गए। क्या लग रहा है कि टारगेट आप पे था? ये तो आप सोचने का विषय है, क्योंकि अभी तक हम लोगों का ना ऐसा किसी से रंजिश है, ना किसी से पैसे का लेन देन है, ना कुछ भी इस तरह की कोई बातचीत नहीं है हमारी किसी से भी। सीधा आपके दुकान पे ही गोली चलाना, कहीं ना कहीं ये असमंजस की स्थिति है हमारे लिए और हमारे सोचने का विषय। कौन सा जगह है ये? कटिहार ललियाही। क्या नाम है आपका? अंकित उपाध्याय। दुकान का क्या नाम? आरके मार्बल। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से मैं यही मांग करेंगे कि हम व्यापारियों की रक्षा करें और इस तरह की घटना से रोकने में जो भी उचित कदम हो उठा सके। किस जगह गोली चली है? दुकान के सामने। दुकान के सामने से दुकान के अंदर, ये सामने से गोली मार करके अंदर। किसी पे लगी थी सर? गोली पहले शीशा पे लगी, शीशा के बाद हमारे डिस्प्ले पे लगी और फिर जो गोली का जो भी पार्ट्स एक्स्ट्रा होता है वो पुलिस बरामद करके लेके गई। कितने लोग थे उसमें? देखे गया? दो लोग थे बाइक पे। सीसीटीवी फुटेज से मालूम पड़ा। क्या लग रहा है मतलब? मुझे हम लोगों का कोई आपसी रंजिश नहीं है, कोई किसी तरह का कोई पैसा लेने देने का किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हम लोगों का। अंकित ने घटना की सूचना सहायक थाने को दी है। सहायक थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। मौके पर SDPO अभिजीत कुमार भी पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। आरके मार्बल दुकान है, यहाँ पे लगभग 1 बजे के आसपास सूचना मिली कि बाइक से दो लड़के आके फायरिंग करके चले गए। उसी की जांच अभी हम लोग कर रहे हैं, जो CCTV फुटेजेस हैं और जो पूछताछ है वो हम लोग कर रहे हैं। मालिक से भी पूछ रहे हैं कि क्या किसी दुश्मनी है या कोई ऐसा थ्रेट कॉल आया था कि नहीं, उन्हीं सब बिंदुओं पे जांच करें, जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर लीजिए। नहीं, अभी अभी कुछ इनपुट्स मिले हैं हम लोगों को, लेकिन अभी हम रिवील नहीं कर सकते, गिरफ्तारी के बाद ही हम बता पाएंगे। SDPO अभिजीत कुमार ने कहा कि मामला रंगदारी से जुड़ा है, सभी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है, CCTV फुटेज खंगाली जा रही है और कुछ इनपुट भी मिले हैं। जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और गिरफ्तारी के बाद मामले का पूरा खुलासा हो पाएगा। दर्श न्यूज के लिए कटिहार से असदुर रहमान की रिपोर्ट।